मेंढर के जो पहाड़ी कबीला के लोग, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान साथी जो हैं, उनसे मेरी अपील है कि कल आप 10:30 बजे छोटे शाह ज़ियारत पे आओ। वहाँ से हमारी एक रैली निकलेगी काफले की शक्ल में, कम से कम 100-200 ट्रैक्टर होगा, बाइकें, जिसके पास बाइक है घोड़े होंगे, 30-40 घोड़े होंगे, और जिसके पास बाइक साइकिल वो वहाँ पहुँचे, और वहाँ हमने वहाँ से न्याज नज़र दे के हमने वो वहाँ से रैली निकालनी है, और डाक बंगले में जाके वो हमारी रैली ख़त्म होगी। वहाँ हम शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद हमने इनको जो है, इन्होंने नाइट स्टे भी उस दिन इनका मेंढर में ही है, दूसरे दिन ये इनका मंजे कोट में प्रोग्राम है, हमने बीजी तक इनको छोड़ना है। और जो इस रूट के लोग हैं, जिस रूट पे ये जाएंगे, और उन लोगों से भी मेरी पहाड़ी कबीले के लोगों से है कि इनका इस्तकबाल करें, और रास्ते में हर जगह 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के बाद इनका वेलकम करें, और इनका इस्तेमाल करें, और शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया। आज जड़ी धन्यवाद यात्रा पुंछ तू मेंढर आई सर जमीन मनकोट। इन्होंने मनकोट ने मेंढर ने लोगों ने बहुत बड़ा स्वागत किया। आज धन्यवाद करने मनकोट ने सर जमीन ने सरपंच पंच साहिबान सिख बलादरी हिंदू बलादरी सारे ने बहुत बड़ा धन्यवाद यात्रा ने स्वागत किया। आज धन्यवाद करने स्टेट प्रेजिडेंट श्री रविंदर रैना जी का, और धन्यवाद करने तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना, गृह मंत्री साहब ना धन्यवाद करना। जितनी इतनी बड़ी खुशी ये मेंढर तहसील ने लोगों और पहाड़ी कबीले दी, आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने। एक छोटी जी अपील और कर सा कि कल इन्होंने पूरे तरीके नाल असं स्वागत करना, जड़े रजौरी तू चढ़ी यात्रा मेंढर आई इन्हें सारे ना स्वागत कर सा। सवेरे 10:30 बजे छोटे शाह पीर जारतपुर में सारे अगे अपील कर सा कि सारे पूजने की कोशिश करो, ताकि उतू अस न्याज नजर देते दे। अस सीधा उतू जरा जरूर सड़ा डाक वाला मेंढर जासी। आज बहुत बहुत धन्यवाद करने और स्वागत करने लोकेश जी ना, एहसान मिर्जा साहब ना, भारत जी ना, साढ़े ठाकर साहब ना, और DDC मेंबर बाजे बशीर साहब ना, जिन्हें इतना बड़ा काफला इतने इकट्ठा करके स्वागत किया। इतने ने सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हिंद। भारत माता की जय हिंद।